आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अगलतरा में झूलेलाल जयंती पर अवकाश की हुई घोषणा, सिंधी समाज ने सीएम भूपेश बघेल को दिया धन्यवाद। बलरामपुर में केश पौर संस्था ने कार्यशाला का किया आयोजन, महिलाओं को दी साइबर ठगी की जानकारी। जगदलपुर में पतंजलि योगपीठ ने योग शिविर का किया आयोजन, गोल्डन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में योग शिविर का नाम किया गया दर्ज। जगदलपुर में पुलिस को मिला जनता का सम्मान, मानवता की मिसाल बनी पुलिस। बस्तर में ओलावृष्टि और बारिश से व्यक्ति की गई जान, परिजनों में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। जगदलपुर के पतंजलि योगपीठ ने योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें जगदलपुर की जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसी के साथ योग शिविर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। बता दें कि जगदलपुर पतंजलि योगपीठ ने किसी भी शहर में सबसे अधिक मात्रा में योग शिविर आयोजित किए जाने का रिकॉर्ड बनाया है और इसी उत्साह को पतंजलि परिवार हर्ष और उल्लास के साथ योग कर जगदलपुर के लालबाग मैदान में मनाने आया। वो है 47, सबसे कम जो किसी शिविर में, तो 47 और अधिकतम जो है लगभग 450 से अधिक लोग जो हैं एक शिविर में कर रहे हैं। इस तरह से एक आकलन हमने निकाला इसका डाटा, तो लगभग 9000 से अधिक लोग जो हैं इस शिविर में भाग ले रहे हैं और ये प्रतिदिन हमारा जो शिविर है इसमें उत्तरोत्तर प्रतिदिन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जहाँ तक इस गोल्डन बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें संख्या के दृष्टिकोण से हम सबसे ज़्यादा शिविर करने वाले। बलरामपुर में कैश पॉर माइक्रो क्रेडिट संस्था ने राजपुर अग्रसेन धर्मशाला में एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन किया, साथ ही गांव में निवास करने वाली सभी महिलाओं को लगातार हो रहे साइबर और ऑनलाइन ठगी की नई गाइडलाइंस के संबंध में जानकारी भी दी और लोगों को सजग और सतर्क रहने का भी संदेश दिया। बता दें कि ग्रामीण अंचलों में निवास कर रहे लोग अपनी जीवन यापन करने के लिए लगातार कर्ज और छोटे छोटे लोन का सहारा लेकर अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं, जिससे आए दिन कई लोगों के द्वारा प्रलोभन देकर इनका शोषण करते हुए ठगी का शिकार बनाया लिया जाता है। को वित्तीय सहायता प्रदान कराती है कैश पार माइक्रो क्रेडिट जो हमारी संस्था है, वो ऐसा परिवार जिनको बैंक लोन नहीं देता है ऐसे लोगों को हम लोग लोन देते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवा प्रदान कराते हैं। उसी के संदर्भ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि ये जो महिलाएं हैं ये आएंगी, ये सब दूर दराज क्षेत्र से आती हैं, ये जाएंगी तो सभी महिलाओं को और अपने गांव में जो कार्यक्रम हमारा चलता है उसके बारे में सभी को जागरूक करेंगी। मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने सभी सदस्यों को, जो भी हमारी गरीब ग्रामीण सदस्य आई हुई हैं, इन लोगों को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिए गए दिशा निर्देश को और इनके अधिकारों को इनको हम बता सकें, जिससे कि ये विभिन्न प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे ये बच सकें। इससे इसके अंतर्गत हम लोगों ने इनको ये बताया कि इनको किस प्रकार से अत्यधिक कर्ज भार बहु ऋण से बचकर रहना है, मोबाइल पर यदि किसी प्रकार का कोई कॉल आता है उससे इनको बचकर रहना है, अपना किसी प्रकार का OTP इनको शेयर नहीं करना है, यदि ऑनलाइन किसी प्रकार का लोन इनको देने के लिए ऑफर दिया जाता है उससे इनको बचकर रहना है। शक्ति में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए भूमि पूजन किया गया, साथ ही जेजे पर ब्लॉक के ग्राम हसौदा में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भूमि पूजन की आयोजन किया गया। तो वहीं 18 से 21 अप्रैल को शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ग्राम हसौदा में होने वाले कार्यक्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तहसील कार्यक्रम के पीछे सभी कार्यकर्ताओं ने भूमि पूजन किया। 108 कुंडिया महायज्ञ के आयोजन में सद्गुरु ज्ञान गंगा, सदग्रंथ एवं शोभा यात्रा, सामूहिक ध्यान,
प्रज्ञा योग संगीत गायत्री महायज्ञ दीप यज्ञ विवाह आदि संस्कार कराए जाएंगे। रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रायगढ़ पुलिस ने अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम के समापन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ रायगढ़ पुलिस विभाग ने महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में रायगढ़ मेयर और विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। साथ ही पत्रकारिता समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया। जगदलपुर में एक अज्ञात महिला मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई मिली। पुलिस ने वहां पड़ी हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर भी कर दिया गया। आपको बता दें कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जांच के दौरान मृतका के पास से मिले आधार कार्ड समेत कई अहम जानकारी हाथ लगी है। मृतक के परिजनों की आर्थिक तंगी के चलते थाना बोधघाट और नगर निगम के संयोजन से सम्मान पूर्वक महिला का अंतिम संस्कार भी कराया गया। पर एक बेहोशी हालत में एक महिला मिली थी जिसे हॉस्पिटल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी 12/3/2023 को मृत्यु हो गई। क्योंकि महिला के किसी परिजनों का पता नहीं था और उसके जो सामान मिला था पासबुक वगैरह उससे पता चला कि ये महिला के जो परिजन है विशाखापट्टनम में रहते हैं, तो वहाँ संपर्क किया गया व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। तो वो बहुत गरीब परिवार से थी महिला और उसकी दो बेटियां थी 18 साल की एक और एक 12 साल की और एक उसकी बहन थी मृतिका की। और वहीं जगदलपुर में नगरनार प्लांट में मुख्य आरोपी की लिस्ट में शामिल रहे उमा शंकर पौदार को जमानत मिल गई है। बता दें कि पुलिस ने चोरी के आरोप में उमा शंकर पौदार को गिरफ्तार किया था और करीब 13 दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई है। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ तब सामने आया जब जमानत मिलते ही उमा शंकर को धोखाधड़ी के एक और मामले के तहत नगरनार पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की पूछताछ में उमाशंकर ने एक और साथी के शामिल होने की बात कही है, जिसके बाद पुलिस ने देवी प्रसाद दलाई नाम के शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। देवी प्रसाद पर वही आरोप है जो उमाशंकर पर थे। गौरतलब है कि उमाशंकर वही है जिसने प्लांट में से 11 टन लोहा पार कर लिया था और लोहे को कबाड़ियों को बेच दिया था। 40/23 पंजीबद्ध किया गया था, उस मामले में विवेचना की जा रही थी। इसी संबंध में विवेचना के दौरान उमा शंकर पोद्दार और देवी प्रसाद दलाई, इन दोनों उस मामले में आरोपी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ 420, 467, 468, 471 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अभी पुलिस की विवेचना जारी है, अगर मामले में और लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी कार्यवाही। बस्तर में हुई भारी ओलावृष्टि और बारिश एक राहगीर व्यक्ति पर कहर बनकर टूट पड़ी। बता दें कि ओलों की मार से तालुर निवासी चेरमू कश्यप की मृत्यु हो गई, तो वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि चेरमू कश्यप साइकिल लेकर अपनी बड़ी बेटी से मिलने उसके ससुराल ग्राम नाई कगुड़ा के लिए निकले थे, तभी ओले गिरने लगे और बारिश होने लगी। ओलों की मार इतनी जबरदस्त थी कि व्यक्ति की जान ही चली गई। अंबिकापुर के स्कूल रोड में खड़ी कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। मौके पर पहुंची नगर निगम की पानी टैंकर ने आग पर काबू पाया। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूल रोड कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय के सामने खड़ी सिटी की कार डीपी 7700 में अचानक अज्ञात कारणों से आग लगने पर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद नगर निगम की पानी टैंकर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं कोतवाली पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट में
13 खंभों की चोरी होने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने खंभे चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि थाना क्षेत्र में महज 500 मीटर की दूरी पर मां महामाया एयरपोर्ट परिसर से ठेकेदार के सुपरवाइजर ने खंभे चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया, क्योंकि TI समेत 24 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुरक्षा के लिए की गई है। अकलतरा में झूलेलाल जयंती पर अवकाश रखने की घोषणा पर पूज्य सिंधी पंचायत समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। बता दें कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई ने झूलेलाल जयंती पर अवकाश की मांग रखा था, जिसकी घोषणा 16 मार्च 2023 को शदाणी दरबार तीर्थ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और कहा कि नगर निगम और नगर पालिका निगम में झूलेलाल जयंती पर अवकाश घोषित किया जाएगा। सिंधी समाज की भावनाओं को समझते हुए चेटीचंड महोत्सव में नगर पालिका और नगर निगम में जो छुट्टी का ऐलान किया है उससे हमारे समाज में हर्ष व्याप्त है और हम बारंबार मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नाम राज सिंह है, मैं छात्र नेता हूँ NSUI का। आज आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा चेटीचंड महोत्सव के लिए शासकीय अवकाश घोषित किया है, जिसके ये आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर खुशी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं शास्त्री चौक अकलतरा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चेटीचंड महोत्सव के लिए शासकीय अवकाश की घोषणा की गई है उससे हमारा समाज बहुत ही खुश है और हम अपने पूरे समाज की ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ एवं पूरे देश भर के सिंधी समाज की ओर से मुख्यमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आयो लाल सभी जो झूले लाल। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।